स्टूडियो लाइव में आपका स्वागत है। जिला परिषद सरैया निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 से शिक्षित उम्मीदवार जिला परिषद पद हेतु शत्रुघ्न सहनी। अभी हमारे साथ शत्रुघ्न सहनी जी हैं, जो सरैया 17 से जिला परिषद उम्मीदवार हैं और पिछले दो टर्म से ये कंटिन्यू इस पद पर आसीन हैं। जनता इनसे हिसाब मांगना चाहती है। ये 10 साल आसीन थे, इन 10 सालों में आपने क्या क्या किया, इसके बारे में कुछ बताया जाए। मैं शत्रुघ्न सहनी, जिला पार्षद सरैया 17। मैं 2001 में भी सभी जाति धर्म और जनता के यहाँ के आशीर्वाद से 7700 वोट से यहाँ हम चुनाव जीते और उस समय मैं 2001 से लेकर 2006 तक ले मैं अच्छा कार्य किए। उस समय जिला परिषद में अच्छा स्कीम था, कल्याण से लेकर व्यक्तिगत लाभ के सभी राशि आता था। फिर 2006 से लेकर कंटिन्यू इधर दो टर्म महिला क्षेत्र हो गया। हमारी पत्नी चुनाव लड़ी, एक बार 13 वोट से हारी, एक बार 254 वोट से हार गई। 2016 में पुनः फिर हम जनता के आशीर्वाद से आए क्षेत्र में और 19,000 मत हमको मिला और मुजफ्फरपुर जिला में प्रथम स्थान से मेरा जीत हुआ। इसके बाद हमने 7 पंचायत है मेरे अधीनस्थ, 7 पंचायत में सभी जनता से आम सभा के जरिए संपर्क कर विकास कार्य को गति देने की काम करना शुरू किए। इसमें तत्काल नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय आया, जल नल में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की राशि वार्ड ग्राम सदस्य को मिल गया और जिला परिषद उससे वंचित हो गया। 2020 में उन्होंने 19 में उन्होंने 15वें वित्त आयोग को लागू किया और 2020 में हम लोग का 15वीं वित्त आयोग की राशि आया। जिस समय कोरोना की महालहर चल रहा था और उस समय से जो रुका विकास की राशि कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला में मैं रहता हूं, जदयू में प्रदेश महासचिव हूं, इस हिस्से से एमएलसी से और आरसीपी सिंह जो अभी राज्यसभा सदस्य, उनका मैंने 50 लाख रुपया यहाँ लेकर कार्य किया हूँ विकास के। और वह विकास के कार्य जो मैं गिना रहा हूँ, गुरगम्मा डी पंचायत के बगनगिरी ग्राम में मैंने 4 सड़क बनवाया हूँ। इसके बाद मैंने अजीतपुर ग्राम बहलवाड़ा रूपनाथ दक्षिणी पंचायत में खोरमपुर नागाराम के घर तक के रोड नहर साइड वाला मैंने बनवाया। इसके बाद बहलवाड़ा रूपनाथ उत्तरी पंचायत में जगन्नाथ साह के दरवाजे होकर जो रोड जा रहा है उसको मैंने पक्कीकरण करवाया। इसके बाद बहलवाड़ा गोविंद पंचायत में पोखर शिव मंदिर पोखर से स्टेट बोरिंग होते हुए सुबोध सिंह के घर तक ले मैंने पक्की कार्य कराया, जिसमें मेरा 30 लाख रुपया का प्रकलित राशि है। और इसमें पोखरेरा पंचायत में ननकी बैठ